मथुरा की स्थानीय अवसूचना इकाई द्वारा कोसी क्षेत्र में पकड़े गए ये दोनों लोग वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो पिछले काफी समय से अपनी पहचान छुपाकर कोसी कला में ईदगाह के पीछे रह रहे थे। स्थानीय अवसूचना इकाई द्वारा बांग्लादेशियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इनकी पहचान करते हुए कोसी कला पुलिस की मदद से दो लोगों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम तुहिर शेख पुत्र फारूक शेख निवासी ग्राम सीधी पासा थाना अभाई जिला जसर बांग्लादेश और दिलीप मंडल पुत्र गणेश मंडल निवासी ग्राम लोदीपुर थाना दबेठा जिला सतकीरा बांग्लादेश बताया गया। संयुक्त टीम ने इनके पास से एक भारतीय पैन कार्ड घड़ी और मोबाइल बरामद किया है। इन दोनों बांग्लादेशियों के पास भारत में रहने के कोई दस्तावेज नहीं मिले। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और कूड़ा करकट बीन कर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। इन दोनों बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी सलभ माथुर ने जानकारी दी। सर, अवैध बांग्लादेशियों के बारे में क्या जानकारी? ये दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें स्थानीय एलआईयू की टीम और थाना कोसी की टीम के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसमें से दो लोग तुहिर शेख और दिलीप मंडल नाम के दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने पूछताछ के अंदर ही स्वीकारा है कि अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और पिछले 4-5 महीने से यहाँ पे रह रहे थे। तुहिर शेख बेसिकली जिला जसर करके जो बांग्लादेश है जो इसमें पूछताछ में बताया वहाँ का रहने वाला है। दिलीप जिला शतकीरा खुलना बांग्लादेश में जहाँ पर उन्होंने बताया। इन चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। दोनों के पास से पैन कार्ड जो है, एक पैन कार्ड मिला है और एक मोबाइल फ़ोन मिला हुआ है। इनके ऊपर अभियोग 14 विदेशी अधिनियम का और 430/67/67 जो इन्होंने पैन कार्ड बनाए उसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन्होंने ये बात स्वीकारी है कि इनके पास कोई वीज़ा पासपोर्ट किसी भी तरीके का नहीं था। अवैध रूप से यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से रह रहे थे और जो वहाँ पे कोसी का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर कूड़ा बीनने इत्यादि का काम कर रहे थे। इन लोगों को पूछताछ की गई है, रिमांड पर लेकर और पूछताछ की गई। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।